देखो, ये कहते शुभ भाव है, तो शुभ भाव तो क्या जैनियों ने ठेका लिया है शुभ भावों का? अरे तो निगोद वाले जीव को भी होते, उसके बिना थोड़े वो मनुष्यायु और सारी बंद करके आता है यहाँ पर। तो शुभाशुभ भाव तो सभी जीवों को होते रहते हैं, परंतु वो शुभ भावों के जो हम कहेंगे ना, अलग अलग प्रकार के शुभ भाव है। अभी एक इंद्रियों के शुभ भाव तो हम बता भी नहीं सकते। यहाँ भी जो हम हमारे आपके शुभ भावों की चर्चा करते हैं, एक्चुअली परिणाम अलग है और वो कोई बाह्य क्रिया अलग है। हम मुख्यतः चर्चा तो बाह्य क्रियाओं की ही करते रहते हैं, परंतु वहाँ उस क्रिया के पीछे वैसे भाव होना जरूरी है, तब हम उसको शुभ भाव कहेंगे। केवल यात्रा करके आया, हमने शुभ भाव किया कि नहीं किया? जरूरी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम बचपन में जाते थे तो कौन कितने घंटे में ऊपर चढ़ के नीचे दौड़ के आता था उसको देखते थे। हाँ, शिखर जी जाते थे, कितने यानी कौन दौड़ लगा के कितने 6 घंटे में आए कि 9 घंटे में आए, उसकी चर्चा करते थे। तो हमने क्या किया वहाँ जाके? यानी दौड़ लगाई और क्या, पर्वत चढ़ के आए। तो क्या पर्वत चढ़ने को यात्रा कहते हैं? तो वहाँ से जो जीव मोक्ष गए हैं उस क्षेत्र को देखकर, क्योंकि ऐसा नियम है जहाँ से मोक्ष होता है आकाश की सीधी श्रेणी में उसी आकाश के प्रदेश में ऊपर सिद्धालय में विराजमान है, तो वहाँ जाते हैं तो हमें उनका स्मरण होता है। तो उनका स्मरण होता है तो हमें भी यानी उनकी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इसी तरह से पुरुषार्थ करके संसार का अभाव करके मुक्त हो जाए। परंतु वहाँ जाते तो ऐसा बोलते भी है कि आपको यही जगह मिली थी आके मोक्ष जाने के लिए। हमें कितनी परेशानी हो रही है। अरे किसने बोला है परेशानी करने के लिए? घर में बैठ के भी भगवान ने किस तरह से कर्मों का अभाव किया है, अपने आत्मा का अनुभव कर लेते तो हो जाता। तो क्या यात्रा नहीं करना? जरूर करो, किसने कहा नहीं करने को। पर वो यात्रा करते तो किस लिए कर रहे हैं? हमने इतने भगवान देखे, इतनी हसरी मूर्ति थी, हसमुख, हसमुख गुजराती भाषा में हसमुख, मराठी में हसरी। तो कषाय रख के वो भगवान मोक्ष गए हैं। हाथ से कषाय है कि नहीं? हाथ से 9 कषाय है और वो कषाय उनका भी बाकी है। अरे क्या पत्थर था सफ़ेद, बाहुबली का एक अखंड पत्थर देखा हमने। अरे पत्थर तो को देखा कि वो मूर्तिमान को देखा हमने? तो वो हम तो बाह्य ही चीज़ें देखते रहते हैं। यात्रा में जाते कोई, अरे कितनी इतनी बड़ा जुलूस वहाँ निकला था, या इतने, मुझे वो गोमटेश्वर की याद है, वो जब महामस्तकाभिषेक हुआ था जब मैं 3री स्टैंडर्ड में थी। कौन सा ईयर था? 53 साल में हुआ था क्या अभिषेक? 52-53 में कुछ हुआ होगा, 53 में हुआ था। तो क्या क्या वहाँ सारे बाहर लगते हैं ना, सारे मेला सब लगता है, तो क्या क्या लगा था, क्या क्या हम कहाँ रहते, कैसे वो अभिषेक हुआ था, सब याद है। तो हम किस में चले जाते हैं? बाह्य चीज़ों में। तो यहाँ ये जो बात हो रही है, कहाँ से क्या निकल गया, तो हम जो परिणामों की बात कर रहे हैं, तो क्रिया मात्र परिणाम नहीं है, परंतु हमारे वैसे शुभ भाव है तो उसका वहाँ शुभ प्रकृतियों का बंध भी होता है।